हेलो दोस्तों, मैंने अभी लेके आया सैमसंग A20 और इसका प्रॉब्लम है बैटरी लगाने का साथ साथ डिस्प्ले में चार्जिंग लोगो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्रीन में अभी चार्जिंग लोगो आएगा, यहाँ पे देख लो चार्जिंग लोगो आ गया। तो इस तरह का प्रॉब्लम इसमें हो रहा है। तो जिस भाई ने मेरे पास लेके आया वो भाई किसी दुकानदार है, तो उसका कहना ये फ़ोन पहले फुल डेड था, उसने बैटरी चार्ज किया उसके बाद लगाया तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और ये टीना भी उसी ने निकला है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं बैटरी कनेक्टर में कितना रेडिंग आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो बैटरी कनेक्टर में रेडिंग आ रहा है 770। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा भी रेडिंग नहीं आना चाहिए बैटरी कनेक्टर में, प्लस लाइन पर। अगर बैटरी कनेक्टर में रेडिंग आते हैं तो 100% आप समझ जाना कि इसका चार्जिंग आईसी जो है वो ख़राब है। और ऐसे तो बैटरी लगाने के साथ साथ तो मालूम चल गया ही होगा चार्जिंग आईसी ख़राब है। ठीक है, तो फिर भी अगर रीडिंग आते हैं आपका फ़ोन में कुछ इस तरह और सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो आप लोग एक बार चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करके देख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखो चार्जिंग आईसी को किस तरह से चेंज करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी आईसी के ऊपर में जो प्लेट लगा रहता है, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान से निकालो, आराम से निकालो। ठीक है, तो मैंने निकल दिया, आप लोग देख लिया होगा। और ये जो छोटा छोटा आईसी है, चार्जिंग आईसी, इस साउंड आईसी, लाइट आईसी, पावर आईसी, ये सब रिबल नहीं करने से भी होता है। ठीक है दोस्तों, रिबल करने का कोई दरकार नहीं होता है, बिना रिबल का लग जाता है आराम से। मेरा जितने भी सारे अभी तक वीडियो है, एक भी वीडियो रिबल करके नहीं लगाया मैंने आईसी। बिना रिबल का जितना भी सारा आईसी चेंज किया, सब बिना रिबल का चेंज किया है। मतलब छोटा छोटा जो आईसी है, जैसे सीपीयू फ्लैशर आईसी होता है, ये सब आईसी में रिबल करना चाहिए। ठीक है, और सीपीयू फ्लैशर आईसी में जो लोग काम करते हैं वो लोग 100% सक्सेस नहीं होता है। सेट तो ऑन कर देता है लेकिन उसका जो लाइफ होता है मोबाइल का, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, इससे ज़्यादा अगर एक दिन भी चलेगा ना तो मुझे बोलना। ठीक है, नहीं चलता है। तो दोस्तों, मैंने देखो आईसी को लगा दिया है बिना रेबल का, आप लोग देख लिया होगा। तो अभी एक बार चेक करते हैं, देखते हैं पहले जैसा प्रॉब्लम नहीं रहा यहाँ पे। वाओ, सेट भी ऑन हो गया। तो पहले सेट ऑन भी नहीं हो रहा था, सिर्फ चार्जिंग लोगो आ रहा था। ठीक है दोस्तों, मैंने आईसी को चेंज किया बिना रिबल का। और आप लोग ना डरो मत, बिना डरे छोटा छोटा जो आईसी होता है निकल दो, निकल के दोबारा लगाओ बिना रिबल का, ट्राई करो। अगर ट्राई नहीं करेगा तो कैसे होगा, ट्राई करो, 100% सक्सेस होगा। देखो ये सेट कंप्लीट ऑन हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। यहाँ पे देखो चार्जिंग भी हो रहा है अभी।